लेंस कैसे बना? लेंस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन है। जैसे सपोज करो आपके पास एक आपको दो रिफ्रैक्टिंग रादर आपको तीन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आती हैं। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स, दूसरी कनकेव और तीसरी प्लेन। कोई प्लेन ग्लास भी तो होता है। तो कोई कहता है कि अगर मैं एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लूँ और इस सरफेस का नाम है कन्वेक्स ले लो, और एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस लूँ कन्वेक्स ले लो, कंबाइन कर दूं, तो देखो कन्वेक्स लेंस बन गया। तो कन्वेक्स लेंस में जब रे ऑफ लाइट आती है उसकी दो रिफ्रैक्शंस होती हैं, एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे, दो। अगर कोई कहता है ठीक है एक मैं कन्वेक्स ले लेता हूं, ले लो एक कन्वेक्स ले लो, और एक मैं सिर्फ प्लेन ले लेता हूं, हाँ प्लेन ले लो, तो ये भी एक लेंस है, इसका नाम है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कोई कहता है कि एक मैं कनकेव ले लेता हूं और दूसरा भी मैं कनकेव ही ले लेता हूं, कनकेव एंड कनकेव, ये देखो डबल कनकेव, ये देखो कनकेव लेंस जिसको आप पढ़ के आए हो, कनकेव लेंस। तो आप चेक कर रहे हो लेंस कुछ नहीं है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन है। कोई कहता है मैं प्लेन ले लेता हूं और कनकेव ले लो, हाँ ले लो, प्लेनो कनकेव बन गया। कोई कहता है एक मैं कन्वेक्स ले लेता हूं और एक मैं कनकेव ले लेता हूं, हाँ तो ले लो कन्वेक्स कनकेव ले लो। कोई कहता है एक मैं कनकेव लेता हूं दूसरी कन्वेक्स, जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओ लेंस ही लेंस है। तो समझ में आ रहा है कि लेंस कैसे तैयार हो रहे हैं। तो लेंस के लिए क्या सीखनी पड़ती है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले अगर हम लेंस की कैटेगरीज में चलें तो लेंस दो टाइप के हैं, कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स कन्वर्जेंट और कनकेव डाइवर्जेंट। कन्वेक्स लेंस के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस कुछ नहीं है, दो कन्वेक्स सर्फेसिस को मिलाना, ये डबल कन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेन में एक प्लेन और एक कन्वेक्स बना दो, एक प्लेन सर्फेस बना दो और एक कन्वेक्स सर्फेस बना दो, तो ये बन गया प्लेनो कन्वेक्स। इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, दो मिनट रुक जाओ। कनकेव में डबल कनकेव, हाँ ठीक है डबल कनकेव, दो कनकेव सरफेस डबल ये लो। प्लेनो कनकेव, ये प्लेन और ये कनकेव ये लो, हो गया प्लेनो कनकेव। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या चीज है, थोड़ा एक्सेप्शनल है ये। तो यहां तक समझ में आ रहा है? अब लेंस कैसे बने, एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया। लेंस के अंदर मेरी हैंड रिटन बुकलेट के अंदर गिवन होंगे डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम अगर लेंस का देखना है, लेंस कैसे बना इसको देखो। लेंस के अंदर आप दो प्लेन, आप दो स्फेरिकल सर्फेसिस लो ग्लास की बनी हुई, इमेजिन करो एक और दो, इमेजिन करो दोनों सर्फेसिस ओवरलैप हो रही हैं, एक के अंदर एक, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है देख रहे हो, ये सर्फेस क्या है कन्वेक्स है, ये देखो ये जो सर्फेस है यहां से देखो ये सर्फेस क्या है कन्वेक्स है, ये सरफेस क्या है कनकेव है। और जरूरी नहीं है कि दोनों का रेडियस बराबर हो, एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R2 भी हो सकता है, बड़ा छोटा। इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 हो सकता है। ये अगर मैं बाहर निकाल लूं तो इसका नाम है बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस एक ही बात है, मैंने बना के दिखाया ऐसा। और अगर आप एक कन्वेक्स लें, ये रहा एक कन्वेक्स, ये रहा ये कन्वेक्स सरफेस है, और एक प्लेन ग्लास लें, ये प्लेन है, तो देखो एक प्लेन और कन्वेक्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, प्लेनो कन्वेक्स। और उसी तरीके से उसके ऊपर भी आ रहा हूं मैं, दो अगर आप ग्लास सरफेस लें और दोनों को बिल्कुल भी आप ओवरलैप ना करें, अलग अलग रखें, सच दैट इस ग्लास का ये वाला पोर्शन डेंसर है, इस ग्लास का ये वाला पोर्शन डेंसर है और इस ग्लास का ये वाला पोर्शन डेंसर है, ये तो क्या बन गया इसका बाई कनकेव या डबल कनकेव। उसी तरीके से एक ग्लास लें और एक प्लेन लें, ये प्लेन है और ये ग्लास है, ये डेंसर है, तो डेंसर और प्लेन का कॉम्बिनेशन प्लेनो कनकेव। यहां तक ये चार तो समझ में आ गए। अब ये थोड़े अलग से लेंस हैं, इसका नाम है कनकेव कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। बनता कैसे ध्यान से देखना, कनकेवो कन्वेक्स के अंदर आपने एक बड़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, ये रहा ये बड़ा लिया, और इसी में आपने एक छोटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, ये रहा ओवरलैपिंग लिया, देखो एक के अंदर एक है, ऐसे देख रहे हो। तो ये वाला सरफेस क्या है कनकेव है और ये वाला सरफेस क्या है कन्वेक्स है। और अब ध्यान से देखें, जो कन्वेक्स है ये R2, कन्वेक्स
उसका रेडियस छोटा है, और चेक करें ये जो कंकेव है, कंकेव का रेडियस बड़ा है, ऐसे ही है। तो जिसका रेडियस बड़ा है उसका नाम पहले आएगा, कंकेव कन्वेक्स, कंकेव कन्वेक्स। तो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन ओवरलैपिंग बाहर आएगा, उसकी शेप क्या बनेगी, उसकी ये शेप बनेगी, ये रे, जिसमें एक कंकेव है और एक कन्वेक्स है। तो इसका नाम क्या है, कंकेव कन्वेक्स। ये कैटेगरी ऑफ कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि जब इसमें से लाइट पास करेंगे वो कन्वर्ज करेगा, वो डाइवर्ज नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है कंकेव कन्वेक्स। नाम कंकेव से स्टार्ट है ये कैटेगरी किसकी, कन्वेक्स की। नाम इसलिए कंकेव से स्टार्ट है क्योंकि रेडियस कंकेव का बड़ा है और रेडियस कन्वेक्स का छोटा है, समझ में आ रहा है। तो ये कैटेगरी क्लियर है। एक और लेंस है जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, देखने में वो भी एक जैसा ही है, बस फर्क यह है कि इसमें एक फ्लैट सरफेस ऐसे है, इसमें एक बड़ा ग्लास एक छोटा ग्लास, ये कंकेव है ये कन्वेक्स है। ये ब्लू कलर का जो लेंस है ये कन्वेक्स कंकेव है, ऐसा क्यों, ये वाला जो पहला सरफेस है R2 कंकेव, इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है, तो इसमें जिसका बड़ा है कन्वेक्स का वो आगे नाम आएगा और कंकेव का पीछे आएगा, कन्वेक्स कंकेव। पर नाम स्टार्ट कन्वेक्स से है, क्या ये कौन सी कैटेगरी का लेंस है, कंकेव की कैटेगरी का लेंस है, तो क्योंकि इसमें से जब लाइट पास करेंगे वो डाइवर्ज करेगा, तो बहुत अंतर दिखता नहीं है नाम में भी और शक्ल में भी। तो नाम और शक्ल की बात करें, शक्ल इसकी भी ऐसी सी है और शक्ल इसकी भी ऐसी सी है, बस फर्क है इसके ऊपर फ्लैट है, देख रहे हो ये फ्लैट है, इसमें फ्लैटनेस नहीं है, तीखापन है यहाँ पे। तो शक्ल में तो ये समझ में आ रहा है कन्वेक्स की कैटेगरी और ये कंकेव की कैटेगरी है, और वैसे मैंने बता दिया इसमें क्या है। कम क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, रेयर क्वेश्चन है, पर फिर भी अगर आ जाए तो एटलीस्ट आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, लेंस बनाने जा रहे हैं। लेंस बनाने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, कि अगर सपोज करो जैसे आप एनसीईआरटी की बुक इसी में देखें, तो ये मैंने बताई दिया आपको, ये तीन किस्म के, ये कन्वेक्स की कैटेगरी है और ये कंकेव की कैटेगरी है, समझ में आ रहा होगा शेप देख के अब आपको। लेंस काम कैसे करता है, देखो रेज आ रही हैं, हम ना ऐसे पढ़ते आए हैं, कोई टेंथ में पढ़ाए ना, ये कन्वेक्स लेंस है जी, कन्वेक्स लेंस ये रेज आती हैं कन्वर्ज करता है, हो गया ये डायग्राम कंप्लीट है। अब हम प्लस टू पढ़ रहे हैं, अब ऐसे नहीं करते, अब हम क्या करते हैं थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, अब हम ऐसे देखते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है, इसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये पहली और ये दूसरी, रेज आती हैं, चेक करें इसमें रेज आ रही हैं, ये रही पैरेलल आई, नॉर्मल ये रहा इसका नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर रेज सीधी जा रही हैं ग्लास में, फिर डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये देखो बेंड हो गई, फोकल लेंथ आ गई। तो हम ये वाला पार्ट दिखाते नहीं है, लेंस जब स्टडी करते हैं दिखाते ही नहीं है, क्योंकि हम थिन लेंस पढ़ते हैं, थिन लेंस के अंदर इतना टेढ़ा मेढ़ा दिखता नहीं है, मोटे लेंस नहीं है हमारे पास, पतले लेंस हैं, तो हम इस रिफ्रैक्शन को निगलेक्ट करते हुए सीधा फोकस पे बना देते हैं रेज को, बट एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसा बनता है, इसलिए ये कन्वर्जिंग नेचर है, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऐसी मिला रखी है कि जो रेज आती है वो कन्वर्ज करवा दी जाती है। अब वो कन्वर्ज कैसे होती है, वो डिपेंड करता है कि इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितना डेंसर कितना रेयरर कैसा है, वो आपके हाथ में, आप कितना कर्वेचर दोगे कितना म्यू दोगे ताकि ये कन्वर्ज हो जाए। इसीलिए लेंस कौन बनाता है, लेंस तो हम बनाते हैं, हम जो लेंस लेते हैं उसकी फोकल लेंथ भी डिफरेंट है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ डिसाइड करते हैं कर्वेचर के हिसाब से कहां जाके रेस मिलेंगे, तो दो रिफ्रैक्शन हम करवाते हैं। उसी तरीके से कंकेव के अंदर भी सेम केस है, रे सीधी आ रही है, एक रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल और एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बनाया ही ऐसे जाता है कि ये पहले अंदर मुड़ के बाहर डाइवर्ज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो ही ऐसे रही है कि क्या हो रहा है इसमें, एक में कन्वर्जिंग और एक में डाइवर्जिंग है, ठीक।